मध्य प्रदेश के हरदा में भीषण धमाका हुआ है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, हरदा में भीषण धमाका हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाकों की गूंज आज सुनाई दी है। धमाके के बाद 2 किलोमीटर तक महसूस हुए हैं भूकंप जैसे झटके। तस्वीरें आपके सामने। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन धमाके के बाद किस तरीके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई ये देखिए। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, हम यहाँ बिग वॉल पर लेकर आए ताकि आप समझ सके कि किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल एकाएक यहाँ हो गया। आग की ऊंची लपटें, पटाखों का शोर यहाँ साफ तौर पर सुनाई दे रहा। आसपास यहाँ जो लोग हैं देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइक पर सवार लोग थे वो भी यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और भूकंप के झटकों जैसा एहसास इस पूरे इलाके में लोगों को हुआ है जब एकाएक लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, क्योंकि यहाँ पर हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो है आग लगने के बाद जिस तरीके से धमाका हुआ 2 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों जैसा एहसास हुआ है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को साफ तौर पर आप तस्वीरों में भागते हुए देख सकते हैं। जो शख्स यहाँ वीडियो बना रहा था वो भी किस तरीके से यहाँ सिहर उठा साफ तौर पर वीडियो से समझा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से एकाएक डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें। जब ये आग कुछ शांत हुई, यहाँ धुएं का गुबार कितना ऊंचा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आसपास यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा यहाँ पर कैसे पेश आया। पटाखा फैक्ट्री में आग और धमाके की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शुभम गुप्ता जुड़ गए। शुभम, ये कैसे हुआ पूरा हादसा और इस वक्त किस तरीके के हालात पूरे इलाके में? देखिए, यह फैक्ट्री शहर के बीचों बीच स्थित है और हरदा शहर में ही फैक्ट्री है। धमाका हुआ, इसके बाद लोगों ने वहां पर देखा और जो जानकारी मिली है, जो वीडियोस आए हैं उसके मुताबिक आप देखिए कि जोर से कंपन हुआ, भूकंप जैसा लोगों को एहसास हुआ और उसके बाद जब देखा तो अफरा तफरी का माहौल था। बस्ती एक तरह से इसके आसपास के इलाकों में है। जो कांग्रेस के हरदा के जिला अध्यक्ष हैं ओम पटेल, वो हमारे साथ हैं। क्या जानकारी आपके शहर की आपको अभी तक? अभी जो फैक्ट्री में जो बड़ा हादसा हुआ है उससे काफ़ी जनहानि हुई है और बहुत सारे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी सूचना आ रही है कि डेथ हुई है और ये अवैध रूप से संचालित थी और शहर के वार्ड में थी, जो हरदा नगर पालिका का वार्ड है बेरागढ़, उसके अंतर संचालित हो रही थी। इसकी फैक्ट्री है, क्या अवैध फैक्ट्री है ये? इसकी आप लोगों ने कभी शिकायत की थी इससे पहले ऑफिशियली जिला प्रशासन को? पहले भी इसकी कई बार शिकायत हो चुकी है, इसके पहले भी एक बार हादसा हो चुका है वहाँ, उसमें भी 2-4 लोगों की पहले भी डेथ हो चुकी है। ये राजू अग्रवाल के नाम से ये अवैध फैक्ट्री थी और ये पूरी जिला प्रशासन की नाक के नीचे फैक्ट्री चल रही थी। उसके बाद भी जनता ने भी कई बार शिकायत करी, उसके बाद भी पूरी घोर लापरवाही जिला प्रशासन की है। तो फिलहाल कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इससे पहले भी जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की गई थी, मगर उस पर जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री किस तरह से हो सकती है, उसे दूर करने को लेकर भी आवेदन निवेदन किए गए थे, मगर इसके बावजूद वो फैक्ट्री चलती रही। इससे पहले भी कई बार वहाँ हादसे हो चुके थे और आज एक बड़ा हादसा है। अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आई है, जहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है और जो जानकारी मिल रही है 2 किलोमीटर के इलाके में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ पर लोग किस तरीके से एकाएक भागते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे ये देखिए आप जरा वीडियो। एक बार फिर से दो तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ, आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया और खबर ये आ रही है कि यहाँ पर अस्पताल में भी अफरा तफरी है, क्योंकि बड़े स्तर पर जनहानि हुई है।